कमीज दी जेब च पए फोन ने बचाई जान, नहीं ता गोली हो जानी सी यार। पर प्राणे मारियां सी 6 गोलियां। ता दस दिए कि एक भरा ने अपने ही चचेरे भरा ते 20 गोलियां चला दित्तियां सी, जिस दे विच 6 गोलियां इस नू वजदियां ने। ता दस दिए कि वारदात दे समय इस शख्स ने कमीज दी जेब दे विच मोबाइल फोन पाया होया सी। ता जो गोली छाती ते वजनी सी ओहो इस दे मोबाइल ते जा वजदी है, जिस कारण इस दी जान बच गई। ता दस दिए कि दो चचेरे भरावां दे विच ए विवाद होया। ता दस दिए कि दो चचेरे भरावां दे विच ए झगड़ा होया, जिथे हमलावरां ने अपने भरा ते 20 गोलियां चला दित्तियां ते 6 गोलियां उस नूं वजदियां ने। ता हमलावरां दे वल्लों जख्मी शख्स दी मां दी गर्दन ते चाकू रख्या गया ते बंदूक दे नाल उसकी कुटमार की गई। ता पिता नूं भी इन्हां दे वल्लों कुटिया गया, जिस तों बाद ए मौके तों फरार हो जांदे ने। ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਏ ਫੋਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਉਸ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਚੱਕੂ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾੜ ਪਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਸਟਲ ਮਾਰੀ ਉਲਟੀ ਕਰਕਾ, ਇਹ ਮਾਰ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦਿਆ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਪੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦਿਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਥੇ ਬੱਚੇ? ਆਮ ਘਰ ਮੈਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੂ ਮਤਲਬ 5 ਜੀ ਥੇ, ਛਟਾ ਉਹ ਲੜਕਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ? ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਥੇ ਜੀ। ਕੇ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਥੇ? ਉਹ ਤੋ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਥੇ ਪਿਸਟਲ, ਜੋ ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਲੀ ਪਿਸਟਲ, ਉਹ ਚੱਕੂ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਥੇ। ਹਾਂ कुछ भी नहीं, वो था मारे तब तो था ही नहीं, कोई लड़ाई होगी कुछ भी दंगा नहीं था, और कुछ भी रोड़ा रबदा मारू तो धोखा ही नहीं था इस बात का। लड़का क्वाड बेड़े था, इसलिए क्वाड बैठता बैठता ऐसे पीछे तो बोच लिया, और उसने अपना वो खींचे थे, मैंने वो खींचन नहीं दिया, और खूब गाल में गिर का उथला पतली भितर घर में भी बड़े मेरे अंदर घर में घर में चक्कू लेकर बड़े चक्कू लड़के का नैड पर मारा था, मैं पड़ गई मंदी, फिर बोले चक्कू नहीं, फिर उन्हें फैर चलाए जी, बहुत फैर चल ले। गोलियां कितनी मारी उसके? वो कम तो कम भी 500 गोली चली जी। आपका क्या नाम है? सुलोचना जी। ये किस समय की घटना है? 7:30 बजे। किस समय, किस समय हुई है ये? 8 बजे की बात है जी, रात 7:30-8 बजे ऐसे टाइम की बात है जी। हाँ, और मेरा आदमी तो गोड होता है इतना तंग, उसका चलता भी नहीं, चला नहीं जानता, उसका भी पिस्टल। सूचना दी पुलिस ने, कुछ कार्रवाई की है इसमें? पुलिस को दी हो रही है जी, पुलिस आ रही है। गिरफ्तार किए? नहीं, लुक रहे हैं जी। गांव में जा रहा था आसन कला के लिए, वहाँ पे हमने शॉप कर रखी है, वॉशिंग सेंटर और एक जिम कर रखी है। वो यहाँ से 7 बजे करीब निकल गया था, तो पीछे पीछे बाइक पे मैं भी चल पड़ा, 7:30 बजे गांव में पहुँच गए। ठीक है, तो वहाँ पे दो लड़के आए, एक तो आया प्रदीप उकम सिंह का लड़का फौजी का, फिर आया विनोद का लड़का सुमित। तो देख के गया, कोई नहीं भाई को कुछ ऐसा डाउट नहीं हुआ। दोबारा फिर आए, थोड़ा डाउट हो गया, तो घर की तरफ चले गया भाई वहाँ से, लड़ाई झगड़े टल जाए। तो जाने के बाद वहाँ पे जाते ही घर के बाहर ही गाड़ी अंदर करी थी गेट के अंदर, और कुंडी लगा रहा था, पीछे मुड़ गया ऐसे, तो पीछे से गोली मारी पैर के कट्टे में, फिर यहाँ गोड्डे में मारी, फिर इसमें, फिर ऊपर मारी इसमें, यहाँ पे हाथों में, यहाँ लग रही, यहाँ लग रही, 5 गोलियाँ लग रही। टोटल कितनी हुई थी? टोटल फायरिंग हुई है 25-30। ठीक है, बाकी पुलिस वाले उसके खोखे ले गए गोलियों के, राउंड के उठा के। हथियार कितने थे? हथियार दो बंदे थे हथियार रखने वाले, एक मोनू सनो जगदीश राम, और एक संदीप करण सिंह। सचिन उसका भाई थोड़ा दरेटा था, दूर था, ये कोई 500 मीटर गैप था, वो चक्कू ले रहा था हाथ में, बोला पकड़ो बहन तुम्हें, इतना परिवार घूमता रहा ना, उन्होंने भागने का निकालो यहाँ से, भागो कैसे भी करके भागो। भाई आ गया मेरा, और भी चाचा था वो आ गए, माता जी आ गई, भाभी आ गई, माँ को भी उसका पिस्टल का बट मार गया संदीप ने यहाँ पे, अब वो बैठी है बाहर।
और हाँ यहाँ पे गर्दन पे चक्कू लगाया, चक्कू वहीं छोड़ के चले गए, चक्कू भी मारे। हाँ कोई रंजिश है क्या आपकी? कोई रंजिश नहीं है, परिवार का ही है। उसका शौक क्या है, अब मेरे से बड़ा प्रधान कोई नहीं है गाँव में। हाँ 500-700 लड़के ले रहे सुलपे वाले, ठीक है, किसी को पकड़वाता है किसी को उठवाता है, स्टाफ वालों को मिलके अपना पेट भरने का काम है उसका। बेवजह तो कोई गोली क्यों मारेगा, कोई तो रंजिश होगा। कोई रंजिश नहीं भाई साहब, रंजिश जमीन का झगड़ा कोई नहीं, कुछ नहीं है भाई, तो था ही नहीं यहाँ पे पहले, 5-7 साल से था ही नहीं। कोई चौधर का रोला बता रहे हैं? चौधर का यही है, वो बोलता है मुझे प्रधान बोलो। अच्छा 6-7 साल में तो भाई मेरा पंजाब से इधर आया है, तो रंजिशबाजी चार भी नहीं, कोई रंजिशबाजी थोड़ी हो जाएगी। जो बंदा अपने घर पे रहता हो हमेशा। क्या काम करते हैं आपके भाई? जिम ट्रेनर है। कहाँ पे है जिम? सोदापुर में। क्या कार्रवाई? हनुमान मूर्ति के पास। जी कार्रवाई मेरी यही है जी, मैं तो यही विनती करता हूँ कि मेरे भाई का ना इंसाफ हो, क्योंकि ये बंदा है ना पुलिस प्रशासन के साथ सेटिंग करके, इसके हर एक महकमे में आदमी है, हर एक महकमे में। मेरे गांव के कुछ पॉलिटिक्स आदमी हैं वो भी मिले हुए इनके साथ, अपने घर से वीडियो भी कटवा दी उन्होंने, कैमरे की वीडियो। अच्छा सीसीटीवी भी डिलीट। हाँ साथ के साथ आवाज़ लगा रहा है वो, सीसीटीवी वीडियो काटो ये। अब कोई फुटेज वगैरह मौके की आपके पास कुछ नहीं है? मौके के तो जो घर की है जी, घर पे जाना पड़ेगा, पुलिस वालों ने ऐसे ही रुकवा रखा, कोई झाड़ू पोछा कुछ हुआ नहीं है वहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा विक्रम नाम है, भाई का मेरे संदीप नाम है। उम्र कितनी है उनकी? 30-32 साल है। अभी कंडीशन कैसी है उनकी? कंडीशन कुछ नहीं कह सकती, 5 गोलियाँ तो निकल गई है, ठीक है, और अभी देखो डॉक्टर साहब बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं। आईसीयू में भर्ती है? आईसीयू में भर्ती है।